subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हम ज़ाहिर है दुनिया में इंसान मादे में है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है और खो जाता है. इंसान इसी सारी चीज़ों से अपने आप को भी नापता है, तोलता है, सामने वाले शख्स को भी देखता है, उसको भी इसी चीज़ों से नापता है कि उसके पास दुनिया कितनी है, घर कितना है, गाड़ी कितनी है, कपड़े कितने हैं, लिबास कितने हैं. खूब ये ज़ाहिर है, बुरा नहीं है. खुदा ने आपको दिया हुआ है, जितनी आपको हैसियत है, जितनी आपके पास है, जितनी आपका स्टेटस है, बहरहाल आप उसके हिसाब से खर्च करते हैं. लेकिन याद रखें, इसके खर्च करने में भी एक ज़ाहिर है, एक बातिन है. अगर आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो इमाम का कॉल याद आ जाता है कि इस दुनिया का क्या किया जाए जिसके हलाल पे हिसाब हराम पर आज़ाब है. हलाल पे हिसाब है भाई, आपने ये कमाया कहाँ से, कमाया कितना, खर्च किया कहाँ खर्च किया. तो अगर इस ज़ाहिरी को भी बातिन में कन्वर्ट करना है तो फिर हम इसको भी वहाँ खर्च करें जहाँ वो चाहता है. वह हदीस है कि जो तुम्हारे पास रहेगा उसका हिसाब किताब है, वो ख़त्म. लेकिन जो तुमने खुदा को दे दिया, खुदा की राह में दे दिया, इन्फाक कर दिया, दे दिया, वो बाकी रह जाएगा. अब हम कितना इस ज़ाहिर से भी उसको देते हैं, उसके लिए देते हैं, अपने लिए बार कोई करता है, घर बनाए, चीज़ें बनाए, लेकिन कितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं. अजार मतलब आखिरी ज़माना है, आखिरी ज़माना है. आखिरी ज़माने में मुख्तलिफ इम्तहान हैं और सबसे बड़ा इम्तहान बाज़ उलमा बयान करते हैं आज के दौर में, वो क्या है? वो मसावात का है, वो बराबरी का है. यानी खुदा ने आपको कुछ दिया हुआ है, इस कुछ से आप कितनों को बांटते हैं. अभी बोलो, बाज़ों का इंसान जज्बात में होता है, और जान दे देंगे मौला, हम जान दे देंगे. वो जान नहीं मांग रहे आपसे, माल मांग रहे, माल दो, माल दो, माल नहीं निकलता. क्यों? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? भाई ये कब कह रहे हैं आप सबका वैसा दे दें? आपके पास जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है. जो आपको अल्लाह ने जितनी आपकी ज़रूरत है वो आपका है, बाकी आपका नहीं है. ढूंढो, ये किसी और के हिस्से का खुदा ने तुम्हें लिया हुआ है. और ये सख्त है, जाने मोहतरम आखिरी ज़माने में ध्यान ही यही है. जैसे आज दुनिया की सिचुएशन है, वायरस की वजह से बहरहाल कितने लोग फाइनेंशियली मुश्किलात का शिकार रहे, कितने वाइट कॉलर लोग जो बोल नहीं सकते थे मुश्किलात का शिकार रहे. यकीनन आपने मदद की, लोगों ने मदद की होगी, लेकिन यही वो वक्त है इस इम्तहान को पूरा करने का कि अगर आपके पास दो दस्तरखान पर चीज़ें थीं तो आपने उस एक को कम कर जिसके दस्तरखान पे कुछ नहीं है वहाँ जाके रखा या नहीं रखा. कितना आप परेशान हुए आज खुद अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने अकराबा में कि क्या उनके घरों में चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है. अब ये कैसे हम बने और हम मानते किसको है कि जो साहिल आता है और रेत पे लिखता है, मौला मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत बच गई है और मैं मकरूज हूं, तो इस इज्जत का खरीदार मैंने सिर्फ आपको पाया, दूसरे इमाम के पास रखा है, इमाम ने दिया और इमाम कहते हैं तो और अच्छे वक्तों में आता था हम तुझे और देते. लेकिन याद रखना, अपनी इज्जत कभी किसी को नहीं बेचना. इमाम कैसे दे रहा है? साहिल आता है, सईद उस शहदा से मांगता है, इमाम दरवाजे के पीछे से देते हैं. क्यों? ताकि देते वक्त उसकी आंखों की शर्मिंदगी में देखो. कहाँ है ये सब? ये रिवायतें किसके लिए हैं? ये हदीस किसके लिए? ये वाकयात किसके लिए? अगर मैं अमल नहीं करूँगा तो किसके लिए ये सब? अज़्ज़ाले मोहतरम, यही ज़िंदगी की खासियत है. हम बाज़ वक़्त अहले बैत की बहुत सी चीज़ें तो हाँ है, लेकिन जब अपने अमल पे आते हैं तो अहले बैत है ही नहीं. आप इस घराने को देखें, इस घराने की शादियों को देखें, इनकी शादियाँ देखें. पूछा रसूल खुदा ने जब अपनी बेटी की घर आए, शादी के बाद, इस लिबास के बाद उनके घर आए, देखा बेटी पुराना लिबास पहनी हुई है,
कहा बेटी नया लिबास क्यों नहीं पहनावा? कहा बाबा पहनी हुई थी। साइड आया तो दे दिया। कहा तो बेटी पुराना दे देती। कहा बाबा आपकी बेटी हूं, आपसे जब किसी साइड ने मांगा था तो आप अपना पीराहन उतार के दे देते थे और खुद कुछ कंबल ओढ़ के घर आ जाते थे। अब मैं आपसे बढ़ तो नहीं सकती थी तो मैंने अपना नया लिबास दे दिया। कहां है ये सीरत आज हमारी जिंदगी में? जाने मोहतरम, बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे भी करना नहीं आती, हम तो सादी सादी सी बातें करते हैं। जब तक घर वो ना हो जैसा वो चाहते हैं तो ये मोहब्बत पैदा कैसे होगी? क्या कहा कि जिसके दिल में हमारी मोहब्बत हो ये ऐसा रिस्क है जो दुनिया का कोई रिस्क इस जैसा नहीं हो।